फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं एक्सेल सॉफ्टवेयर में आपको इफ़ कंडीशन का यूज बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां हम देखते हैं, यहां पे शॉप नेम है जिसके डेली टारगेट और सेल्स दिए हुए हैं, मतलब टारगेट इतना अचीव करना है उन्हें, लेकिन उनकी सेल कितनी हुई है वो यहां पे है, मतलब टारगेट कितना अचीव किया गया है। तो रिजल्ट हम इफ़ कंडीशन से निकालेंगे। मैंने इस पर क्लिक करा, इफ़ पे क्लिक करके ओके करा। अब यहां पे मैंने क्लिक करा सेल। यदि सेल कम है किससे, डेली टारगेट से, तो कितना कम है वो यहाँ पे निकलना चाहिए। तो 20,000 मतलब सेल पे माइनस डेली टारगेट पे क्लिक करेंगे। और यदि सेल डेली टारगेट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या बराबर हुई है तो रिजल्ट होना चाहिए 0। ओके का बटन दबाते हैं, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट में यहाँ पे आया कि 50,000 का टारगेट था, 20,000 अचीव किया गया, तो माइनस 30,000 की कमी रह गई है। अब इसे अगर हम ड्रैग करा देते हैं तो देखिए क्या क्या आ रहा है कि यहाँ पे कमी है 30,000, यहाँ है 25,000, यहाँ है 2,000 की कमी। देखिए 22,000 के अकॉर्डिंग 20,000 का अचीवमेंट हुआ है, और यहाँ पे 35 में 35 है तो 0 हो गया, और 60 में 70 है तो भी 0 हो गया। तो ये था इफ़ कमांड का यूज, ये आप कैसे करें। आपसे मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। लाइक और शेयर करना ना भूलें, और तब तक के लिए बाय बाय।